तो भाई सवाई बोझ के तो घूम के आ चुके हैं, अब आए हैं हम देव डूंगरिया। और ये देखो देव डूंगरिया का मंदिर दिखा घाटे के ऊपर। ये मम्मी पापा दीदी जा रहे हैं और मैं भी जा ही रहा हूँ बस। तो आज ही ओम बना के भी निकलेंगे, बस यहाँ से फ्री होते ओम बना के लिए निकलेंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी में नंबर भी ओम बना के लगवा रखे हैं अपन ने, तो उनके तो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी गाड़ी को अपन जाए नहीं जाए बट उसका जाना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं। मेरे तो पैर दुखने लग गए। चलो ये म्यूजियम भी बना हुआ है यहाँ पे, देवनारायण की जन्मभूमि है ये, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, अवतार लिया था उन्होंने अवतार। तो भाई फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं बट हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, फिर भी ये देवनारायण की। अपन ने कॉपीराइट आ सकता है इसलिए मैं वीडियो बंद कर, सॉरी गाइस मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग इसलिए बंद कर दी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता मेरा, क्योंकि वहाँ पे भजन चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता यूट्यूब पे अगर मैं वीडियो डालता, तो इसीलिए मैंने वहाँ से बंद कर दी। ये नज़ारा देखो भाई क्या शानदार दिख रहा है, ये म्यूजियम है, ऑटो हेलीपैड बने हुए हैं ना, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आया था, क्या मंदिर था। तो ये देखो मंदिर, हाय इतने प्यारे प्यारे कलर के, इनके झंडे को पता नहीं कुछ कहते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा समथिंग, जिसको भी पता हो कमेंट में बता देना। वो ये मालासरी डूंगरियों में बने हुए हैं, तो अब यहाँ से निकलने का अपना भी टाइम आ गया, अपने यहाँ से निकलते हैं बिकॉज अभी बहुत लंबा सफ़र करना है आज। तो गाइस मिलते हैं ये निकोन के पास नीचे, बाय बाय। तो गाइस हम आ चुके हैं ओम बना के धाम, और सॉरी मैं बीच में ब्लॉगिंग कर नहीं पाया क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था यार, लास्ट टाइम भी मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी मैं ना बहुत दूर पैदल गया हूँ यहाँ चोटीला में। ओनली क्या लेना है, ओम बना के लिए उनका प्रसाद लेना है, वो अपना यूनिकॉर्न वहाँ खड़ा हुआ है दिख रहा है, उधर से सेकेंड नंबर की गाड़ी अपनी है और ये ओम बना के यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ का ज़्यादा सीन नहीं लूँगा और यहीं पर आज अपना नाइट स्टे होने वाला है, तो सुबह मिलते हैं फिर। तो गाइस ये है ओम बना की वो गाड़ी जिसके नंबर हमने चढ़वाया, हाथ जोड़ो लिख दीजिए लिख दीजिए, एक सौ ऊपर का पड़ा है ऐसे ही दो झगड़ी लियो पास तक मुका ही करा पूरा नहीं चढ़ा दे, वहां मुंडा का लगाओ ना, मुंडा का लगा दे बस, थोड़ा सा मुंडा का लगा दे, थोड़ा सा निकाल बस बस अभी को काय करेंगे। तो गाइस प्रसाद चढ़ा दिया गया है और हो सकता है वीडियो में डाल भी नहीं पाऊँ क्योंकि यार ये ड्रिंक है। तो गाड़ी के नंबर दिखाते हैं आपको, अपनी यूनिकॉर्न के नंबर फिर से देखने वाले हैं आपको, ये देखो RNG ट्रिपल 73 जी हम बनाइए, बहुत दिनों से मेरे को वेटिंग था इस चीज़ का। तो गाइस सच्ची में मेरे तो मतलब एक अंदर से फीलिंग आ रही है बहुत तगड़ी वाली, अभी तो यूनिकॉर्न को सुबह एक बार यहाँ ला के और एक फोटो वोटो करवा के फिर चलेंगे यहाँ से। तो गाइस मिलते हैं सुबह। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग गाइस, और रात को हम यही रुके थे ओम बना के, मैं तो गाड़ी के अंदर ही सो गया था। देखो सुबह के कितने बज रहा है, सुबह के समथिंग 6:41 हो रहा है, और अब यहाँ से निकलेंगे जोधपुर के लिए रवाना होंगे, उसमें चाय पी लेता हूँ बैठा हुआ। तो आज बाहर क्या है, आज संडे है रविवार है, और अपनी यूनिकॉर्न कल चली थी 386 किलोमीटर समथिंग, आज पता नहीं कितनी चली थी। मैंने इसकी हीटर चालू कर दिया है, पूरी गाड़ी को ठंड लगी यहाँ पे, सर्दी मतलब पूरा सेटअप है, इधर सो रहे थे हम तो यूनिकॉर्न में अंदर।
हाय हाय, अब आ रहा ना गर्म हवा। हाय हाय, मरे होते भैया, निकलते हैं जब मिलते हैं।